अब सुनिए कहानी सत्यवादी हरिश्चंद्र। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे। वह अपनी दयालुता, दानवीरता तथा अपने वचन की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। जो कोई भी उनसे कुछ मांगता, वह कभी उसे बिना दिए नहीं लौटाते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से सारा राजपाट दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र वचन दे चुके थे। ऋषि के मांगने पर उन्होंने राजपाट दान कर दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें राजमहल छोड़ना था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या ने जब यह सुना तो वह बोली, महाराज इसमें चिंता की क्या बात है? राजपाट, धन, यह सब वास्तव में कितने दिन के हैं? इनके जाने का दुख कैसा? आपने अपना धर्म निभाया, मुझे प्रसन्नता है। मैं और हमारा पुत्र रोहिताश भी आपके साथ हैं। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र आए। वह राजा से बोले, राजन आप अपने कर्तव्य का पालन करें। अब यह महल, कोष, नौकर चाकर सब मेरे अधीन हैं। अब आप शीघ्र यहां से प्रस्थान करें। ऋषि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को लेकर महल से बाहर जाने लगे। तभी पीछे से ऋषि की आवाज आई, राजन ठहरो, आपके और आपके परिवार के इन राजसी वस्त्रों और आभूषणों पर भी मेरा अधिकार है, इन्हें भी देते जाइए। ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए तीनों ने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहनकर चल दिए। तभी विश्वामित्र ने फिर से उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज अभी तो आपने राजपाट का ही दान दिया है, मेरी दक्षिणा का क्या हुआ? बिना दक्षिणा के तो दान अधूरा है। हरिश्चंद्र बोले, ऋषिवर अब मेरे पास मेरी पत्नी और पुत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। आप मुझे एक महीने का समय दें, मैं दक्षिणा का ऋण चुका दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ऋषि को वचन देकर राज्य से निकल पड़े। चलते चलते रानी बेहाल हो गई। भूख के कारण रोहिताश्व रोने बिलखने लगा, परंतु कोई चारा न था। भीख वह मांग नहीं सकते थे, कोई काम उन्हें मिला नहीं। करें तो क्या करें? इसी तरह भूखे प्यासे रहकर उनके दिन बीत रहे थे। एक महीना बीत गया। अंतिम दिन वह काशी पहुंचे। तभी विश्वामित्र वहां आए और बोले, राजन आज अंतिम दिन है, यदि मेरी दक्षिणा आज न दी तो मैं श्राप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र बोले, ऋषिवर अभी तो आधा दिन शेष है, मैं अवश्य दक्षिणा का प्रबंध कर लूंगा। राजा हरिश्चंद्र को दुखी देख महारानी शैव्या बोली, महाराज आप मुझे बेचकर अपने वचन का पालन करें, यही आपका धर्म है। पत्नी की बात सुनकर हरिश्चंद्र बहुत दुखी हुए, परंतु सूर्यास्त होने वाला था। वह चौराहे पर खड़े हो महारानी को बेचने की घोषणा करने लगे। एक बूढ़े ब्राह्मण ने महारानी शैव्या को खरीद लिया। पुत्र से बिछड़ते हुए रानी बहुत रोई। ब्राह्मण से बहुत प्रार्थना करने पर उसने रोहिताश्व को भी खरीद लिया। वह रानी को घसीटता हुआ दासी बनाकर अपने घर ले गया। दक्षिणा के धन में अब भी कमी थी। राजा ने स्वयं को चांडाल को बेचकर ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा का धन पूरा किया और ऋषि को दक्षिणा देकर उनके चरण छुए और उनसे विदा ली।
राजा चांडाल के साथ शमशान की देखभाल करने लगे। एक दिन उसी शमशान में एक स्त्री के रोने की आवाज उन्हें सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो वह स्त्री उनकी पत्नी थी। सांप के काटने से उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों देर तक विलाप करते रहे। फिर राजा हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं यहां चांडाल का सेवक हूं। तुम मेरे स्वामी की आज्ञा अनुसार पहले अपने पुत्र के कफन का प्रबंध करो, तभी तुम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर सकती हो। फूट फूट कर रोते हुए शैव्या बोली, महाराज कफन कहां से लाऊं? मैं अब दासी हूं, मेरे पास कफन नहीं है। मुझे मेरे मालिक ने यहां आने की आज्ञा दी, यही बहुत है। मैं कफन कहां से लाऊं महाराज? परंतु राजा हरिश्चंद्र अपनी बात पर जमे रहे। उन्होंने कहा, देवी मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किसी भी तरह नहीं कर सकता। रानी शैव्या क्या करती? उन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर कफन के रूप में दे दी। तभी सब देवता वहां प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मृत रोहिताश्व जीवित हो उठा। चारों ओर राजा हरिश्चंद्र के धर्म, धैर्य, सत्य और त्याग की महिमा गाई जाने लगी। बच्चों अब बारी है शुतलेख की। जब मैं पढ़ता था, इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को मैं बोलूंगा, उन्हें आप लिखिए। शब्द हैं व्यायाम, धार्मिक, श्रवण कुमार, अध्ययन, सत्य प्रिय, छात्रवृत्ति, अनिवार्य, संस्कृत, अरुचि, मंद बुद्धि, हरिश्चंद्र, सत्यवादी। आपने लिख लिया? अब इन शब्दों को अपने अध्यापक को दिखाइए।